हेलो फ्रेंड, मैं फ्यूचर जनरल का कस्टमर बोल रहा हूँ, आम कस्टमर बोल रहा हूँ। मैंने फ्यूचर जनरल का कार इंश्योरेंस ले लिया था, जीरो डैप का ले लिया मैं। उसके बाद मेरा एक महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, पीछे से टेम्पो वाला हिट कर जाता है तो मेरा बम्पर पूरा डैमेज हो जाता है, डोर भी थोड़ा डैमेज होता है। फिर मैं क्लेम के लिए जाता हूँ मारुति में, मेरा टाई अप पॉलिसी था वो, वहाँ पे मैंने गाड़ी सबमिट कर दिया तो वो मुझे बोले कि आपका 5 दिन में हो जाएगा। सुजुकी वालों ने मुझे बोला 5 दिन में हो जाएगा, उन्होंने पूरा अपना अपडेट किया, उनकी कुछ इशू नहीं था। जब मेरा 5 दिन के बाद सर्वे हुआ, उसके बाद ये जो सर्वेयर है वो बोलते हैं कि आपका ये पहले से डैमेज है, ये कवर नहीं होगा डोर ना बम्पर। आप लोग देख लो, यही फ़ोटो है इसमें जो मैंने डाला हुआ है, यही फ़ोटो है, यही गाड़ी है मेरी। और उसके बाद मुझे, मैं बोला ठीक है मैं आगे एक्शन लेता हूँ, कुछ लीगल एक्शन लेता हूँ, आप लोग ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। जीरो डैप की मैं पॉलिसी क्यों ले रहा हूँ, कुछ वजह से लिया था ना। तो फिर मैं ट्विटर पे डालता हूँ, ट्विटर पे मेरा फॉलोअप चलता है, 8 दिन मेरा फॉलोअप चलता है वहाँ पर, मेरी गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहती है, धूप में खड़ी रहती है वहाँ पर। और 8 दिन इनका हो गया, 10 दिन उधर, 18 दिन हो गए मेरा। अगर मेरा फॉलोअप चलता है, मेरी बात होती रहती है, हाँ अपडेट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं कस्टमर केयर पे एक बार फ़ोन करता हूँ, 2 बार ट्विटर पे मैसेज करता हूँ, मेल करता हूँ, सब कुछ मैंने कर लिया, फिर भी उन लोग का 8वें दिन रिजल्ट आता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। और मेरा ही नहीं, आप ट्विटर पे चेक कर लीजिए कितने बंदे परेशान हैं, कितने लोग परेशान हैं, किसी का ये लोग क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सबका रिजेक्ट कर रहे हैं। आप खुद जाके चेक कर लो। और ये बहुत बड़ा, मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि फ्यूचर जनरल पॉलिसी लेने से पहले 10 बार आप सोचिए, चेक करिए, उसके बाद लीजिए। ये बिल्कुल फ्रॉड पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रॉड प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग से बचिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।